एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी कीमत देनी पड़ेगी हम तैयार हैं। इस देश के सोशल जज्बात रहेगी, इससे देश के फदर तंत्र को मजबूत सोचेगी, देश के पार्लियामेंट से कई लोग आ गए घुसे, वहां आकर स्लोगन देगी और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को और सदस्य को देश के गृहमंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इतनी मांग देश के अपोजिशन पार्टी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए संविधान नतीजल पूरे दिन से तैयार है, सरकार द्वारा है। आज गांव गांव में हम जाकर देखते हैं इस देश के गरीब लोगों की भूख की समस्या हल करने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है, फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान कारोबार आज उसे मेहनत की कीमत मिलती नहीं इसलिए दुखी है। हम देश में गांव में रहने वाला आदिवासी हो या दलित हो, उसकी समस्या के हल होते नहीं इसलिए वो दुखी है। और ये सब करने वाली, ये सब नौबत वाली एक ही फीजा है, इस फीजा का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी चाहे वो मेहनत करेंगे, चाहे इसकी कीमत देंगे, मगर प्रजातंत्र पर हमला करने वाली ये सांसदीय शक्ति हम दूर करेंगे। ये दूर करने के लिए हम एक रहेंगे, इतना विश्वास यह ठिकाने में दिलाता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SI News साथे।